चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को मिली राहत, सरकार ने कैंसर शुगर सहित 119 जरूरी दवाओं की कीमतें 40% तक घटाई, पैरासिटामोल का रेट भी हुआ कम। दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, चीन के बाद जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया में भी फूटा कोरोना बम। दुनिया भर में बीते 24 घंटे में एक साथ बढ़े 5.37 लाख केस। भारत में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BF.7 ने बढ़ाई टेंशन, एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू, कई राज्यों ने उठाए जरूरी कदम। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ से बनेगी खूबसूरत सड़कें, सौंदर्यीकरण के लिए मिलेंगे 700 करोड़ रुपए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान। स्मार्टफोन की मदद से पढ़ सकेंगे डॉक्टर्स की खराब हैंडराइटिंग वाली पर्ची, गूगल ला रहा है नया फीचर। लव जिहाद से सतर्क रहेंगे, धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश के इंदौर में भागवत कथा में महिलाओं ने ली शपथ। G20 सम्मेलन से पहले सवरेगी दिल्ली MCD की सड़कें, पेड़ों पर लाइटें और पार्कों में लगेंगे फव्वारे। कोरोना को लेकर ढिलाई पर पीएम मोदी की चेतावनी, टेस्टिंग बढ़ाने और कड़ी निगरानी की सलाह। दुनिया भर में बढ़ रहे कोरोना के मामले पर WHO ने कहा, चीन नहीं दे रहा सही जानकारी, कोविड मरीजों से भर रहे ICU, शमशानों में लगी सवों की कतार। पंजाब में सीमा पार से तस्करी की कोशिश नाकाम, लगातार दूसरे दिन BSF ने पाक ड्रोन को मार गिराया। भारत में भी बढ़ रहा चीन वाला कोरोना वेरिएंट, चीख, सिरदर्द, बुखार जैसे लक्षण दिखे तो हो जाए अलर्ट। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना पर बुलाई आपात बैठक, दिल्ली में संक्रमण दर 0.19%। सुकन्या समृद्धि योजना के बदले नियम, अब 18 की उम्र तक खुलेगा अकाउंट, बेटियों के नाम पर मिलेगा पहले से ज्यादा फायदा। भारत चीन के बीच हुई 17वें दौर की वार्ता, सैन्य और राजनयिक चैनलों के जरिए वार्ता जारी रखने पर बनी सहमति। दिल्ली MCD चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, 6 जनवरी को होगा मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, 27 दिसंबर तक कर सकेंगे नामांकन। नए साल से महंगे हो सकते हैं जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान, 10% तक बढ़ सकते हैं दाम। विश्व में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर IMA के टॉप डॉक्टर्स ने दी चेतावनी, फौरन पहने मास्क और विदेशी यात्रा से बचें। लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कोरोना के नए वेरिएंट्स पर हमारी कड़ी नजर, चीन जापान में बढ़ी मौत, भारत में कम हो रहे केस। UP के CM योगी ने कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा, बोले लोगों को फेस मास्क के लिए करें जागरूक, टेस्टिंग और कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ाएं। भारत के नए T20 कप्तान बन सकते हैं हार्दिक पांड्या, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में कप्तानी मिलना तय। कोरोना को लेकर बिहार सरकार हुई सतर्क, CM नीतीश कुमार बोले IGIMS में बेड रिजर्व, एयरपोर्ट पर 3-लेयर चेकिंग। 2022 में निवेशकों की $14 खरब डूबे, निवेश के लिहाज से यह हो सकता है दूसरा सबसे खराब वर्ष। आरक्षण की मांग को लेकर लिंगायत समुदाय का बेलगाम में सख्ती प्रदर्शन, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात। नेजल वैक्सीन को मिली मंजूरी, अब इंजेक्शन की नहीं होगी जरूरत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। टोका टोकी मत कीजिए, आपकी उम्र और सीनियरिटी के लिए ठीक नहीं, लोकसभा में TMC सांसद पर भड़के अमित शाह। PM मोदी की वजह से टला परमाणु युद्ध, उनकी सलाह का रूस पर दिख रहा असर, CIA चीफ। सरदा हत्याकांड में आरोपी आफताब ने वापस ली जमानत याचिका, वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट पहुंचे पुलिस, अर्जी पर आज होगी सुनवाई। रिलायंस ने जर्मन कंपनी मेट्रो के भारतीय कारोबार का किया अधिग्रहण, 2,850 करोड़ रुपए में हुई डील। कोविड अलर्ट के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का बड़ा बयान, बोले देश में जरूरी पाबंदियां शुरू, वायरस और अधिक हो रहा है खतरनाक। म्यांमार पर चीन और रूस के साथ खड़ा हुआ भारत, UNSC के महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर वोटिंग से बनाई दूरी। चीन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाए सरकार, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने केंद्र से की मांग। कोरोना को लेकर IMA ने जारी की गाइडलाइंस, कहा शादी समारोह और रैली को टाला जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का रखे ख्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले विमान निर्माता कंपनी एयरबस के CEO गुइलोमो फोरी, भारत में निवेश बढ़ाने के दिए संकेत।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्टेशन पर खड़ी सेना की ट्रेन में लगी आग, कई एडवांस ट्रक जले, सामान भी हुआ खाक। कोरोना के खतरे पर देश में सबसे बड़े अस्पताल एम्स के डॉक्टर ने दी राहत, बोले गंभीर समस्या की संभावना नहीं। पीएम मोदी के लुक पर कमेंट कर घिरे टीएमसी नेता कीर्ति आजाद, असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले संस्कृति का अपमान बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन अभी जिंदा है, समझौता नहीं करेंगे, अमेरिका की संसद में बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की। कोरोना पर संसद भी हुई सतर्क, स्पीकर ओम बिरला बोले सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। अमृता फडणवीस के पीएम मोदी को राष्ट्रपिता बताने पर मचा बवाल, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले बीजेपी के हो सकते हैं दो बाप। भारत जोड़ो यात्रा में मैं अपने जूते का फीता बांध रहा था, राहुल गांधी का नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के दावों को किया खारिज। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट को लगा बड़ा झटका, फ्रांस ने लगाया 500 करोड़ का जुर्माना। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बीजेपी ने राजस्थान में स्थगित की जन आक्रोश यात्रा। बाढ़ की मार से नहीं उबर पा रहा पाक, पीएम शहबाज ने फिर दुनिया के सामने फैलाया कटोरा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 185 नए मामले आए सामने, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3,402। कोरोना की दस्तक से सहमा स्टॉक मार्केट, बिकवाली ने सेंसेक्स को 61,000 के नीचे धकेला, निवेशकों के 2,00,000 करोड़ डूबे। ताज नगरी में आने वाले सभी पर्यटकों की होगी कोरोना जांच, आगरा के स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई सतर्कता। यूपी के मिर्जापुर की सानिया बनी देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट, टीवी मेकेनी की बेटी ने रचा इतिहास।